Hi guys, in this session we learn the inheritance. So guys, we have a first question: what is the inheritance? Friends, ye pehla question hai, what is the inheritance? So inheritance means transfer the properties of one class to another class called as inheritance. मतलब inheritance का मतलब क्या होता है? जब आप एक class की properties किसी दूसरे class के अंदर transfer कर देते हैं तो हम उसे inheritance कहते हैं. To transfer the properties of one class to another class called as inheritance. जब आप एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो हम उसे इनहेरिटेंस कहते हैं. जैसे समझाता हूं, अगर मान लीजिए राइट, ये आपका सब्जेक्ट नाम का क्लास है और ये आपका मैथ नाम का क्लास है. अगर हम ये सब्जेक्ट की पूरी प्रॉपर्टीज मैथ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो हम उसे इनहेरिटेंस कहेंगे. क्या कहेंगे हम इसे? इनहेरिटेंस कहते हैं. आर यू क्लियर? यस. मतलब इफ यू वांट टू और इफ यू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. क्लियर? सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस? What is the benefit of inheritance? आपका inheritance का क्या फायदा है? अगर आप आपके program में inheritance क्यों use करेंगे? ये बहुत important question है, right? There are some benefits. First benefit ये होता है, generalization. Second, reusability. And then third, extensibility. ये तीन मेजर रीजन है इनहेरिटेंस के. सबसे पहला रीजन होता है जनरलाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है? जब कोई कंटेंट कॉमन हो बहुत सारे क्लासेस में तो हम उसे एक ही क्लास में लिखते हैं और बाकी इनहेरिट कर देते हैं. जैसे समझाता हूं, कंसिडर कीजिए. जैसे मान लीजिए गाइस, एक कंपनी है, इस कंपनी में तीन टाइप के एम्प्लॉयज हैं. पहला एम्प्लॉय है फ्रीलांसर, दूसरा एम्प्लॉय है रेगुलर एम्प्लॉय और तीसरा एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉय. क्लियर? अब फ्रीलांसर का, फ्रीलांसर के अंदर देखिए आईडी है, नेम है और इनकी जो सैलरी होती है ना, हावरली सैलरी होती है. एचएस मतलब आईडी, नेम और हावरली सैलरी. रेगुलर एम्प्लॉय का क्या होता है? आईडी होता है, नेम होता है, इनका एनुअल पैकेज होता है. जो प्रोजेक्ट वाइज एम्प्लॉय होते हैं राइट, या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते हैं, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कहते हैं, वो अच्छा लगेगा. प्रोजेक्ट बेस एम्प्लॉय पीबीई, इनका प्रोजेक्ट वाइज सैलरी होती है, एक प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर अमाउंट. तो इसमें भी देखिए क्या है, आईडी है, नेम है और इनकी प्रोजेक्ट वाइज सैलरी होती है. अभी इसमें क्या है, आपने ऑब्जर्व किया कि इन तीनों क्लास में एक कंटेंट डिफरेंट है, एचएस, एपी और पीडब्ल्यूएस. लेकिन आपने ऑब्जर्व किया तीनों भी क्लास में एक चीज कॉमन है, आईडी नेम, आईडी नेम और आईडी नेम.
इसका ओवरऑल मतलब ये हो जाता है कि अगर हमारे पास फ्रीलांसर भी एम्प्लॉय हो तो भी उसको आईडी और नेम चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉय हो तो भी उसे आईडी और नेम चाहिए, प्रोजेक्ट बेस एम्प्लॉय हो तो उसे भी आईडी और नेम चाहिए। मतलब आपने ये कोड आपके प्रोग्राम में कितनी बार लिखा? 3 बार। सो बेटर ऑप्शन ये है, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 3 बार ना लिखे। अगर ये कोड, ये आईडी और नेम, ये तीनों में भी कॉमन है, जनरल है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है, इस आईडी और नेम को एक अलग से क्लास में डिक्लेयर कर दें और इस क्लास को नाम दे एम्प्लॉय, और उसके बाद में फिर इस क्लास को आप नाम दीजिए एम्प्लॉय, और इस क्लास को आप सभी क्लासेस में इनहेरिट कर दें। तो हम इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एम्प्लॉय की जो 2 प्रॉपर्टी आईडी और नेम, ये तीनों भी क्लासेस में क्या है, जनरल है, कॉमन है, इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। आई अंडरस्टैंड। सो इसीलिए तो हमने लिखा व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, राइट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस? जनरलाइजेशन, रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। फिर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास इन अ जावा, और हाउ टू परफॉर्म इनहेरिटेंस इन अ जावा। मतलब ये क्लास के कंटेंट दूसरे क्लास के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे, या आप इनहेरिटेंस के अंदर, सॉरी जावा के अंदर इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करेंगे। आई अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ऐसे कहते हैं, वांट टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस इन जावा वी हैव द एक्सटेंड्स कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड होते हैं हमारे पास? एक्सटेंड्स। इफ यू वांट टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस इन जावा वी हैव एक्सटेंड्स कीवर्ड। जैसे बताता हूं, इफ आई राइट हियर क्लास एम्प्लॉय इंटीजर ऑफ आईडी स्ट्रिंग ऑफ ए नेम क्लास फ्रीलांसर एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एम्प्लॉय इंटीजर ऑफ हावरली सैलरी क्लास रेगुलर एम्प्लॉय extends employee annual package ऐसे। मतलब अगर मैं इस कोड को एंड में लेता हूं और समझाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, क्लास एम्प्लॉय ये यहां पे है, क्लास राइट फ्रीलांसर एम्प्लॉय एक्सटेंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब यह हुआ कि इस एम्प्लॉय के कंटेंट फ्रीलांसर में है, राइट। इस एम्प्लॉय के कंटेंट आपके रेगुलर एम्प्लॉय में भी और इधर भी है, राइट। मतलब आपने ऑब्जर्व किया कि एक्सटेंड कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है, राइट। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सटेंड कीवर्ड is used for transfer the content from a one class to another class. Extend keyword का क्या काम है, एक class के content किसी दूसरे class के अंदर क्या करना, transfer करना, ये extends keyword का काम है। I understand, yes। लेकिन देखिए बहुत important चीज है, ये तो हो गया, लेकिन देखिए note ऐसे कहते हैं, in Java we cannot create any program without inheritance। अगर हम जावा की बात करते हैं, जावा में कोई भी प्रोग्राम विदाउट इनहेरिटेंस नहीं होता। देखिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जावा में कोई भी प्रोग्राम विदाउट इनहेरिटेंस नहीं होता। आई अंडरस्टैंड। फिर सवाल ये था कि आज के इस वीडियो में मैंने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया है, फिर इसके जो प्रीवियस वीडियो थे हमने, उसने तो इनहेरिटेंस नहीं किया,
तो पहले प्रोग्राम हमने कैसे बनाए, ऐसे कहते हैं इन जावा एवरी क्लास हैविंग ए डिफॉल्ट पैरेंट क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट क्लास, राइट। ऐसे कहते हैं जावा में हर एक क्लास का एक डिफॉल्ट पैरेंट क्लास होता है, हम उसे ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं, राइट। इट इज ए मेंबर ऑफ जावा डॉट लैंग पैकेज एंड जावा डॉट लैंग इज अ डिफॉल्ट पैकेज ऑफ ए जावा, मीन्स नॉट नीड टू इन, राइट, नॉट नीड टू इंपोर्ट इट इन अ प्रोग्राम। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स। मतलब हमने क्या कहा कि जावा में हर एक क्लास का बाय डिफॉल्ट एक पैरेंट क्लास होता है, हम उसे ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ये लैंग पैकेज का मेंबर है, और लैंग एक जावा के अंदर डिफॉल्ट पैकेज है, मतलब आपको उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, यस। मतलब एग्जांपल बता दूं, अगर मान लीजिए मैं यहां पे अगर ऐसे लिखता हूं क्लास ए, सो इसका इंटरनल मतलब क्या होता है पता है? इंटरनल मीनिंग इसका बताता हूं फ्रेंड्स, इसका इंटरनल मीनिंग ये होता है क्लास ए, इसका इंटरनल मीनिंग ये है क्लास ए एक्सटेंड्स जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, क्लास ए एक्सटेंड्स जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। आई अंडरस्टैंड, मतलब ये के अंदर किसके कंटेंट इनहेरिट हुए हैं? ये के अंदर ऑब्जेक्ट के कंटेंट इनहेरिट हुए हैं। आई अंडरस्टैंड। फिर सवाल आता है व्हाई जावा प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट क्लास एज अ पैरेंट क्लास टू एवरी क्लास बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट क्लास सभी क्लासेस का पैरेंट क्लास है, तो क्वेश्चन ये आना चाहिए फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट क्लास सभी क्लासेस का पैरेंट क्लास क्यों है? बिकॉज ऐसे कहते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लास कंटेन सम मेथड्स एंड एज पर द कंसिडरेशन ऑफ ए जावा एवरी क्लास मस्ट हैव अ मेथड, मस्ट हैव दोज मेथड प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास। सो जावा right put all methods in object class and mark every class and mark parent of every class, right। so benefit to ye ho gaya na, so benefit is method present in java every class। मतलब देखिए ऑब्जेक्ट क्लास सबका पैरेंट क्लास क्यों है? जावा का ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे मेथड्स है कि जो जावा के हर एक क्लास के अंदर होने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर जावा ने लॉजिक क्या लगाया, वो सभी मेथड्स ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखे और ऑब्जेक्ट क्लास को सबका पैरेंट क्लास बना दिया। सो फायदा ये हुआ कि वो मेथड जावा के हर एक क्लास में है। फिर सवाल ये आता है एट विच मेथड, कौन से मेथड है वो बता दो, इंटीजर ऑफ हैश कोड, बुलियन ऑफ इक्वल्स, स्ट्रिंग ऑफ ए टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लोन, राइट, वाइड नोटिफाई, वाइड नोटिफाई ऑल, void wait, void finalize, class get class और starting block, ये methods है। मैं आपको समझाता हूं फ्रेंड्स, ये जो सभी methods है, देखिए जावा ने क्या लॉजिक लगा दिया, ये जो सब methods है, ये सभी के सभी methods जावा ने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखे। ये सभी मेथड्स किसके, कौन से क्लास के अंदर है? ऑब्जेक्ट के अंदर।
फिर मान लीजिए अभी हमने क्लास ये लिखा, फिर मैंने क्लास बी लिखा, फिर मैंने क्लास सी लिखा, तो बता दो ये जो अभी ऑब्जेक्ट है ये पैरेंट हो गया ए का भी, ये पैरेंट हो गया बी का भी, ये पैरेंट हो गया सी का भी। फायदा ये हुआ कि ये जो मेथड्स है कौन से, ये वाले मेथड, ये मेथड्स ये में भी है, ये मेथड बी में भी अवेलेबल है और ये मेथड सी में भी अवेलेबल है। नहीं तो हमें ये मेथड मैन्युअली डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जावा ने क्या किया कि ये सभी मेथड्स, इसीलिए जावा ने सभी मेथड्स को इस क्लास में रख दिया ऑब्जेक्ट क्लास में, और ऑब्जेक्ट क्लास को सबका पैरेंट बना दिया। तो फायदा ये हुआ कि ये जनरलाइज मेथड हो गए, क्लियर। इसीलिए ऑब्जेक्ट क्लास सभी क्लासेस का पैरेंट क्लास है। तो गाइज इन मेथड का डिस्क्रिप्शन, ये जो तीन मेथड, सॉरी ये जो चार मेथड्स है, ये मैं आपको कलेक्शन पढ़ाते समय बता दूंगा या कलेक्शन के बाद। ये जो तीन मेथड है वाइट वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल, तो ये तीन मेथड मैं आपको थ्रेडिंग के समय पर समझाता हूं। ये जो फाइनलाइज नाम के मेथड है, जब मैं आपको जिससे सिखाऊंगा, मतलब गार्बेज कलेक्शन वगैरह आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं तब बताता हूं। ये जो गेट क्लास नाम की मेथड है, ये मैं आपको रिफ्लेक्शन एपीआई पढ़ाते समय बताता हूँ। और ये जो स्टैटिक ब्लॉक है, ये मैं आपको मेरी इंटरव्यू सीरीज की वीडियो क्वेश्चन में पढ़ा दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब अभी ये हुआ कि अगर आप जावा में इनहेरिटेंस करना चाहते हैं, तो जावा में इनहेरिटेंस के लिए आपके पास कौन सा कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड है, right? So now guys, we want to write a program. Now we want to create a program to calculate the square of a number using the inheritance. Right? जैसे फिर मैंने क्लास लिखा, क्लास वैल्यू, दूसरा क्लास लिखा क्लास स्क्वायर एक्सटेंड्स वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू के सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ गए, राइट। मतलब यहां पे हमने ऐसे लिखा इंटीजर ऑफ ए नंबर वाइड सेट वैल्यू आईएनटी ऑफ एक्स, नंबर इक्वल टू ऑफ एक्स, ऐसे होगा, देन वाइड शो स्क्वायर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ स्क्वायर इज परसेंटेज स्लैश ऑफ एन नंबर इन टू नंबर। तो गाइज इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, नोट इन इनहेरिटेंस वी नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट of a parent class, we always create the object of a child class, and using that object using that object we can access parent property also. ऐसे है, मतलब इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो हम यहां पे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पे हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्क्वायर ऑफ यस इक्वल टू न्यू ऑफ स्क्वायर, और इसके जरिए यस डॉट सेट वैल्यू ऑफ फाइव। मतलब हमने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के जरिए, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के जरिए पेरेंट का फंक्शन एक्सेस किया, राइट। मतलब ये फायदा होता है, मतलब आपको पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर आप यहां पे ऐसे लिखिए यस डॉट शो स्क्वायर, हो गया, तो आपको आंसर मिलेगा स्क्वायर इज 25। देखिए गाइज ये जो भी है हम प्रैक्टिकली रन करते हैं, तो प्लीज ओपन द एक्लिप्स,
जस्ट वेट वन मिनट, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट इनहेरिटेंस डेमो नेक्स्ट एंड फिनिश. एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू पैकेज गिरी डॉट टेक अप, राइट क्लिक करें न्यू क्लास वैल्यू या न्यू क्लास स्क्वायर ऐप, मेन मेथड भी लीजिए फिनिश. उसके बाद में फिर ऐसे लिखिए क्लास वैल्यू क्लास स्क्वायर एक्सटेंड्स ऑफ ए वैल्यू. फिर आप इसमें ऐसे लिखिए इंटीजर ऑफ ए नंबर वाइड सेट वैल्यू int ऑफ x नंबर इक्वल टू ऑफ x वाइड शो स्क्वायर, सॉरी यहां पे नहीं चाहिए, इनहेरिटेंस से करना है ना, यहां पर लिखिए वाइड शो स्क्वायर सिस्टम डॉट आउट स्टेटमेंट डॉट के बाद आउट डॉट println स्क्वायर इज प्लस नंबर इनटू नंबर. जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड का स्क्वायर ऑफ यस इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए स्क्वायर यस डॉट सेट वैल्यू ऑफ फाइव यस डॉट शो स्क्वायर ऐसे होगा. फिर फाइल को आप सेव ऑल करें, देन राइट क्लिक हियर रन एज जावा एप्लीकेशन स्क्वायर इज 25 मतलब आंसर मिला. मतलब आपने ऑब्जर्व किया कि इनहेरिटेंस में हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया है और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमने पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस किए है, यही इनहेरिटेंस का फायदा होता है. अगर मान लीजिए मेरे पास क्लास क्यूब आता तो मैं यहां पे एक्सटेंड वैल्यू भी करता, मतलब मुझे दोबारा सेट वैल्यू फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब ये सेट वैल्यू फंक्शन मैं स्क्वायर में भी रेफर कर सकता हूँ, ये सेट वैल्यू फंक्शन मैं क्यूब में भी रेफर कर सकता हूँ. आई अंडरस्टैंड. तो गाइज ये था इनहेरिटेंस. ओके, अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज राइट सब्सक्राइब इट. अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फीडबैक फॉर्म में फिल कर सकते हैं. थैंक यू.